पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी, भाजपा सांसद ब्रिजभूषण के असिस्टेंट और नॉमिनी संजय सिंह के चुनाव के बाद कुश्ती में ओलंपिक पद जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, जो भारत के खेल इतिहास में एक काला अध्याय है। अब लोग क्या कह रहे हैं, देश क्या कह रहा है? ब्रिजभूषण का तंत्र जमा मोदी सरकार का सहयोगी मंत्र, ये बना बेटियों के साथ न्याय से षड्यंत्र। किसान की पहलवान बेटी की आंख से निकला हर आंसू मोदी सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। अब भाजपा का नारा है बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ। खिलाड़ियों के आंसुओं, बेटियों की बेबसी और खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। शायद इसीलिए यौन शोषण के आरोपी और भाजपा के चहेते सांसद ब्रिजभूषण ने कल भारतीय कुश्ती संघ के नतीजों के बाद कहा, एंड आई कोट, दबदबा था दबदबा रहेगा। यही नहीं, न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए ब्रिजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। मोदी सरकार ने इसलिए ये साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण, शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है, जगह है तो राजनीतिक दबदबे की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।